भजन संहिता 49 अध्याय का 13 और 14 वचन। उनकी ये चाल चलन उनकी मूर्खता है, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातें से प्रसन्न होते हैं। वे अधोलोक की मानो भेड़ बकरियां ठहराए गए हैं, मृत्यु उनका गडरिया ठहरी है। और बिहान को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे, और उनका सुंदर रूप अधोलोक का घोर हो जाएगा, और उनका कोई आधार ना रहेगा। यहां देखिए, दुष्ट लोगों के जो उदार नहीं पाए, जो प्रभु से दूर है, उनके बारे में इस भजन संहिता लेकर कहता है। इनकी आशा यह है पैसा, पूरा मान मर्यादा, आदर सम्मान, धन दौलत, समाज में बड़ी जगह चाहिए, यही इनकी आशा है, यही इनके विश्वास है। वो क्या कहता है, दूसरे यही चाहते हैं, दूसरे हमें तारीफ करें, प्रसन्न करें, इसलिए वो जी रहे हैं। उनके यही मकसद है, यही दुष्ट लोग है। ये दुष्ट लोगों का इच्छा यही होता है, क्या है उनकी योजनाएं, क्या रहता है, संसार के बारे में सोचते हैं, यही दुष्ट लोग है। आज देखिएगा, करोड़ों को कमाई करते हैं, कितने कांदानी कांदानी तक पैसा का बटोर कर रखते हैं, कोई संतुष्टि नहीं है, बड़ी आश्चर्य है। इसलिए परमेश्वर चेतावनी देता है, उनको कहता है, लूका 12:20 को देखिए। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, ए मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? जो कुछ तू बटोर कर रखता है वो किसके वश में छोड़ के जाएगा? उसको बहुत धन दौलत है, उसका चिंता यही है, ये कटनी को रखने के लिए बहुत ही बड़ा कल्याण को बनाना, यही उसके विचार था। दूसरे किसी के बारे में विचार नहीं किया। प्रभु ने उनसे कहा, तू एक मूर्ख है, कारण यही है, आज रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा। प्रभु ने समय को तय कर लिया। मनुष्य कितने भी धन दौलत रखने से भी संतुष्टि नहीं होता। संसार में संतुष्टि के साथ ये की लोग रहते हैं, मसीह लोग है, आमेन। हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमारी आशा प्रभु यीशु है, हालेलुया। कल के बारे में वो देख लेंगे, वो चलाएंगे। अभी तक प्रभु जो है अभिनेसर के रूप में अगुवाई की, आगे भी अगुवाई करेगा, मुझे नहीं छोड़ेगा। इसलिए कितने दुख तकलीफ आने से भी चैन कर सोते हैं, यही धन दौलत है। संसार में धन दौलत है तो किसी भी परिस्थिति में जो संतुष्टि का सत रहते हैं, वही हमारे लिए धन दौलत है। हालेलुया, आमेन।